बच्चे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। चल केवल। चल भाई। ये लो माना मैं सीटिया। सबको सीटिया मिल गई? तो सब बच्चे कान खोल कर सुन लो, आज सर आएंगे तो सर को कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा बल्कि सीटी बजेगा, समझे? नहीं, हम ये सीटी नहीं बजाएंगे। और वैसे भी क्लास में सीटी बजाना गलत बात है। डोंट एंग्री रोनी। और रोनी को ना सुनने की आदत नहीं है, और हमें भी बुरे काम करने की आदत नहीं है। देखो हमसे पंगा मत लो मानो मेहर, वरना तुम पे टूटेगा मेरा कहर। तुझे पीट दूंगी अगर गया तो 2 मिनट यहाँ ठहर। क्या बच्चों, बच्चों गुड मॉर्निंग। रोहित केवल खड़े जाओ। क्यों सर, आप चाहते हैं कि हम खड़े होकर सीटी बजाएं? ओके। नीचे उतरो, नीचे उतरो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा ना हो कि एग्जाम पेपर देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। नॉनसेंस। सॉरी सर। बच्चों अगले हफ्ते से आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो खत्म कब होगी सर? साइलेंस। बेटा जो पहले शुरू होने वाले हैं उसकी तैयारी तो करो। बच्चों आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो आपको तो पता ही है कि आजकल सब कुछ कंप्यूटर ही करता है। अरे सर जी, अगर हर काम कंप्यूटर से ही होना तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? साइलेंस। तो बच्चों आज कौन कौन कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ के आया है? और कोई नहीं पढ़ के आया मानो मैं के सिवाय। आवश मानव मेहर, मुझे पता है तुम ही फर्स्ट आओगे इस बार भी। अरे वाह रोनी, तुम भी पढ़ के आए हो। नहीं सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार फर्स्ट मानव और मेहर नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। आई लाइक योर स्पिरिट बेटा। ये गेंडा फर्स्ट आएगा? मुझे तो इसे देख के लगता है ये तो मोंटू बॉस से भी ज्यादा बार फेल हुआ होगा। माँ, मैं जिस कार्य के लिए परीलोक में आया था वो अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं पृथ्वी लोक पे जाता हूँ। जरूर आप जाइए बालवीर। रुको बालवीर, पृथ्वी लोक पे जाने से पहले वो सच जो तुमने इन सब परियों से छुपाया है वो आज सबको बता के जाओ। नाराज परी, आप साफ साफ बताइए किस सच की बात कर रही हैं आप? यही सच कि कल बालवीर और मैं मायावी अग्नि खाई में गलती से नहीं गिरे थे, ये सब मेरा एक षड्यंत्र था, बालवीर को उस खाई में गिराकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना। नाराज परी, ये बहुत ही गंभीर बात है, कोई खेल नहीं है। मैं जानती हूँ अटकाती परी, इसलिए मैं ये सच आप सबके सामने स्वीकार कर रही हूँ। नाराज परी आप मुझे सच कहने दो बालवीर, ये षड्यंत्र मैंने भयंकर परी के साथ मिलकर बनाया था। उस मायावी अग्नि खाई के पास मैंने लाख की मिट्टी से एक नकली जमीन बनाई ताकि उसके ऊपर पैर रखते ही बालवीर उस मायावी अग्नि खाई में समा जाए और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।
महाराज परी से ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। नहीं बालवीर, ये मैंने पहली बार नहीं किया है। भयंकर परी के साथ मिलकर मैंने पहले भी कई ऐसे षड्यंत्र रचे। नाराज परी, इस विश्वासघात की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ये लो। अरे मेरा हाथ क्यों मरोड़ा? छोड़ो, तुमने तो हाथ देके कहा था ना, ये लो। अरे सॉरी मैं सॉरी। रॉनी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या? मेरे पिज्जा और बर्गर के पैसे? ए, इतने भी बुरा दिन नहीं आए हमारे कि पैसे देकर पिज्जा और बर्गर खाए। तो क्या देना चाहते हो? ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर। हम तुम्हारे साथी बनने से रिजाइन कर रहे, चल रहे। क्यों, कूल छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं, तुमने पूरे क्लास के सामने फर्स्ट आने की बात की है ना, इसलिए। हाँ, और हम ऐसे दोस्त नहीं रख सकते जो पढ़ाई करते हो। हाँ, हम शरारती बच्चों के भी कुछ नहीं, हमें कुछ उसूल है। डोंट एंग्री रॉनी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पढ़ाई की बात करने की? सॉरी। मैं फर्स्ट पढ़ाई करके नहीं, चीटिंग करके आऊंगा। फिर तो तुम हमारे लायक हो, मतलब हम आपके लायक हैं। तुम्हें आसान नहीं है फर्स्ट आना, क्योंकि मानो मैं जितने मार्क्स लाते हैं ना, उतने मार्क्स तुम चीटिंग करके भी नहीं ला सकते। तुम्हें क्या लगा? सॉरी, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। सॉरी। इन दोनों के बैग उठाओ। समझ गया, अब इनकी बुक से हम पढ़ेंगे, राइट? नहीं नहीं केवल कुछ और आइडिया है। ना रहेंगे मानव और मेहर के पास उनके बैग्स, ना रहेंगे उनकी बुक्स, फिर वो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो? चलो हटो इडियट्स। मैं मेरे बैग से आ नहीं है। हाँ, लेकिन बैग्स कहाँ जा सकते हैं, यहीं कहीं होंगे। जे हाँ, चल। अरे मैं बैग्स तो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर गए कहाँ हमारे बैग्स? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। अब मानो मेहर फर्स्ट आके दिखाए, इस बार मानो मेहर लास्ट आएंगे। बिल्कुल हमारी तरह। अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी और बच्चे ने उन्हें नोटबुक देकर मदद कर दी तो क्या हम उनकी बैग उन्हें वापस कर देंगे? मतलब फिर बैग यहाँ छुपाने का फायदा क्या? नहीं, मैं किसी भी बच्चे को मानो और मेहर के करने नहीं दूंगा, क्योंकि जो मानव और मेहर की हेल्प करेंगे ना, उनकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। मुझे रोनी तो मोटू से भी शैतान है। मैं एक काम करता हूँ, ये सब मैं मानव मेहर को बता कर आता हूँ। तुमने हमारे बैग्स देखे? शिवानी, तुमने हमारे बैग्स देखे? क्लास में ही थे? नहीं, मुझे नहीं पता। है, हमारे सारे सब्जेक्ट के कॉपीज तो बैग्स में ही थे। अगर हमें बैग्स नहीं मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो फर्स्ट कैसे आएंगे? नहीं मानो, ऐसा मत बोल। हम फिर से ढूंढते हैं, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाती हूँ, ठीक है? मानो, तेरी बैग मिल गई? अरे नहीं मिली। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि तेरी बैग मिल गई है। सच्ची?
कहाँ है मेरी बैग? वो बाहर वाले पेड़ पे। क्या पेड़ पे? पेड़ पे कौन पढ़ रहा है? अरे कोई भी नहीं पढ़ रहा है, रोहित केवल ने तेरी बैग छुपाई है। क्या? रोहित केवल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ बैग लेने, और तू जा महर को भी ये बता दे और उसे वहां पर लेकर आ जा। ठीक है जा। ओह नो, बैग्स तो पेड़ पे हैं। अब मैं उन्हें नीचे कैसे उतारूं? अरे ये भी बहुत हार्ड है। अरे पर ये तो इजी है, मैं सीढ़ी से पेड़ पर जाता हूँ। हाँ मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, एक काम करता हूँ, महर के आने तक यहीं पर रुक जाता हूँ। हाँ। नहीं, अगर मैं यहाँ पर रुका तो रोहित के वाले आएंगे, मुझे मारेंगे और बैग भी नहीं देंगे। Don't angry Ronnie. Yes, angry boy. वैसे आज रॉनी एंग्री नहीं, हैप्पी है। अरे यार, नाम बदलने से पहले बता तो दिया करो। चुप बेवकूफ। खबरदार, जब तुमने हमें बेवकूफ कहा मतलब ये हक सिर्फ मोंटू बॉस को है। अच्छा, ये सिर्फ मोंटू बॉस का हक है? मुझे तो मालूम ही नहीं था ना। ठीक है, आज से मैं तुम दोनों को है ना बेवकूफ नहीं कहूंगा, इडियट कहूंगा। इडियट? इडियट? इडियट है हम? अरे मेरा मतलब है मैं और केवल, तू इडियट। और वैसे भी मानो मेरे की फेल होने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए। हाँ, पार्टी तो आज जरूर होगी, क्योंकि मानो और मेहर कुछ भी कर ले, उन बैग्स तक तो वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे? अरे मेरे कहने का मतलब है इस बार हम टू इडियट्स नहीं थ्री इडियट्स है, क्योंकि हम सीढ़ी तो आप पेड़ के पास से छोड़ के आए। अगर किसी ने बैग्स वहां देख लिया तो सीढ़ी पर चढ़ के वहां से निकाल लेंगे। अरे इडियट्स, यहाँ भी क्या खड़े हो, भागो। अरे रुको, कभी कहते हो भागो, कभी कहते हो रुको। अरे करे तो क्या करे इडियट्स। रे सीढ़ी यहाँ पे नहीं, वहां पे भागो। सॉरी। वो देखो, मानव ऊपर चढ़कर बैग उतार रहा है। मैं अभी उसे उतार कर आता हूँ। रुको, मजा मानव के नीचे उतरने में नहीं बल्कि उसके पेड़ पे लटकते रहने में है। क्या? क्या? समझे? या ओके। नाराज परी, आपने हम सबसे विश्वासघात करके परीलोक पे एक कलंक लगा दिया है। आज के बाद आपकी वजह से हम परियां एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगी। पहले कभी भी हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी कोई साथी परी हमारे पीठ पीछे हमारी रक्षा कर रही होगी। नाराज परी, आखिर आपने ऐसा किया क्यों? क्यों आपने बुराई का साथ दिया? क्यों आपने परीलोक को नुकसान पहुंचाने का सोचा? क्यों आपने बालवीर के जीवन को खतरे में डाला? बालपरी, मैं अपनी राह से भटक गई थी। मुझसे मेरी शक्तियां छिन जाने की वजह से मैं आप सबसे नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी मैं आप सबसे। मैं आप सबको अपना दुश्मन समझ बैठी थी, भूल गई थी कि आप सब तो मेरे अपने हैं।
गलत। आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं नाराज परी। आपकी अपनी तो वो भयंकर परी है, इसलिए आप उसकी बुराई के रंग में रंग गई। हाँ नाराज परी, और अब आपको ऐसा करने की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। माँ, परियों हम सब ये भूल गए हैं कि नाराज परी ने खुद हमें ये सब बताया है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास है, और वो खुद यहाँ आई है अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन इससे इनका अपराध कम नहीं हो जाता। इन्होंने हम पर वार किया होता तो हम फिर भी इन्हें माफ कर देते, लेकिन इन्होंने परीलोक पर वार किया है, आपके जीवन पर वार किया है, इन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई के भी दुश्मन है नाराज परी। बाल परी, हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और नाराज परी को तुरंत ही कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। हाँ बाल परी, सुनाइए मुझे सजा, और इतनी कड़ी सजा सुनाइएगा कि जो अपने आप में एक मिसाल बने। ऐसी सजा जिसके बारे में सोच के भी परी लोग की सब परियों की रूह कांप जाए, किसी की हिम्मत ना पड़े परी लोक में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की, और हमारे प्रिय बालवीर को चोट पहुंचाने की। इतनी कड़ी सजा दीजिए मुझे। मां, महाराज परी अभी भी सही और गलत के अंतर को नहीं समझ रही है, लेकिन मां आप तो समझ सकती हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। मां, लेकिन बालवीर, इस बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि अगर नाराज परी को माफ कर दिया जाए तो वो बुराई का साथ नहीं देंगे? यह हो सकता है ये भी इनके किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। नहीं बाल परी, नाराज परी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इन्हें कोई कड़ी सजा ना दे। माँ, हम इन्हें ऐसी भी तो सजा दे सकते हैं जिससे ये सुधर जाए और अच्छे काम करने लगे। मेरे लिए कोई आसान सजा मत चुनो बालवीर, मैंने जो गलती की है उसके लिए तो कोई भी सजा कम है। लेकिन नाराज परी, लेकिन नाराज परी खुद से सजा चाहती है तो आप क्यों रोक रहे हो बालवीर? क्योंकि नाराज परी जो कर रही है वो भवनों में बहकर कर रही है। तो ये समझ लो बालवीर कि आज पहली बार इनकी भावनाएं सही है। हाँ, लेकिन शायद हमारी सोच सही नहीं है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप नाराज परी को कोई भी कड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है बालवीर, हम सोचने के बाद ही नाराज परी को सजा सुनाएंगे। बाल परी, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे लिए कौन सी सजा सोचेंगे, पर मैं जिस सजा के लायक हूं वो सजा मैंने सोच ली, और मेरी सजा ये है, और मेरी सजा ये है कि मैं अपने परी रूप का त्याग करूंगी। परी रूप का त्याग? ये आप क्या कह रही हैं नाराज परी? आप जानती हैं ना, परियों का परी रूप का त्याग करना परीलोक की सबसे कठोर सजा है। नाराज परी, परी रूप को त्याग करने का मतलब है अपना शरीर त्याग करना, अपना अंत करना। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि इतनी कड़ी और कठोर सजा शायद आप मुझे ना दे पाए, इसीलिए मैंने अपनी सजा खुद चुनी है बाल परी। अब देर मत कीजिए, मुझे मेरा परी रूप त्यागने की आज्ञा दीजिए बाल परी। नहीं माँ, अब नाराज परी को ऐसी आज्ञा मत दीजिएगा। नाराज परी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप आपका परी रूप त्याग सकती है।